विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत थे 1 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 4 से 10 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, हमने पाप किया है, हमने अधर्म किया है। हे प्रभु, महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी, तेरे सेवक, हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे, हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। हे प्रभु, तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इसराइली, चाहे वे निकट रहते हों चाहे उन दूर देशों में जहां तूने उन्हें विश्वासघात के कारण बिखेर दिया है, हम सब के सब कलंकित हैं। हे प्रभु, हम सब कलंकित हैं, हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर, हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से 38 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ के द्वारा नबी दानियल इसराइलियों के लिए प्रभु ईश्वर से क्षमा की याचना करता है। नबी दानियल की प्रार्थना निर्वासन के समय आदर्श इसराइलियों की प्रार्थना जैसी है। दानियल का ग्रंथ इतिहास के रूप में पढ़ने के लिए नहीं है, फिर भी यह निर्वासन और उसके बाद अर्थात राजा नबूकदनेजर से लेकर मक्काबियों तक लगभग 400 वर्षों तक के समय की घटनाओं को सामान्य रूप से दर्शाता है। उस इतिहास को समझना और समझाना ही ग्रंथकार का उद्देश्य है। लेखक को पक्का विश्वास है कि ईश्वर हमेशा इसराइल के इतिहास में कार्यरत हैं। हालांकि यह लगता है कि उसने अपनी प्रजा को छोड़ दिया है। लेखक यह भी बताने की कोशिश करता है कि क्यों इसराइल संकट सहता है और क्यों ईश्वर उन लोगों को शहीद होने देता है जो उसके नियमों का पालन करते हैं।
नबी दानियल के समय इसराइली लोग जो दंड भोग रहे थे वह दंड उस जमाने के लोगों के पाप के कारण नहीं था, बल्कि उनके पुरखों द्वारा किया गया पाप के कारण वे दंड भोग रहे थे। जी हाँ, आज के पहले पाठ से यह स्पष्ट होता है कि इसराइली लोग अपने पूर्वजों के पापों के कारण दंड भोग रहे थे। यदि हम गणना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 18 में पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा, जहाँ लिखा है, प्रभु देर से क्रोध करता और अनुकंपा का धनी है, वह अपराध और विरोध क्षमा करता है किंतु वह कोई पाप अनदेखा नहीं करता और पूर्वजों के अपराधों का दंड तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को देता है। और आज के पहले पाठ में नबी दानियल स्पष्ट करते हुए कहता है कि नबी जो तेरे सेवक थे, हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे, लेकिन उन्होंने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, उन्होंने नबियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उनके वंशजों को दंड भोगना पड़ रहा था। लेकिन दानियल अपने आप को विनम्र बनाते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हमने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। दानियल की यह प्रार्थना उसके विनम्रता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसने यह नहीं कहा कि मेरे पूर्वजों के पाप के बदले हमें क्यों दंड देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि उनके राजाओं और पूर्वजों ने आखिर क्या पाप किया था। उदाहरण के लिए, यदि हम राजा शाऊल, जो इसराइल का पहला राजा था, उससे लेकर राजा होशेया, जो इसराइल का अंतिम राजा था, उनके जीवन में देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि राजा दाऊद और राजा सुलेमान को छोड़ जितनों ने भी राजगद्दी संभाली कोई सफल नहीं रहे। इसराइल में 24 राजा हुए, लेकिन प्रायः सभी राजाओं ने ईश्वर के आज्ञा अनुसार जीवन यापन करने में असमर्थ रहे। जब तक वे ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन यापन किए, ईश्वर की कृपा उन पर बनी रही, लेकिन जब उन्होंने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने लगे, उनका शासन काल समाप्त हो गया। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, राजा दाऊद, जो इसराइल का महान राजा के रूप में जाना जाता था, उन्होंने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया, जिसके कारण ईश्वर उन्हें त्याग देते हैं। राजा सुलेमान, जो एक विवेकशील राजा था, उन्होंने भी ईश्वर के विरुद्ध कार्य किया। राजा सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि उनकी 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां थी, जो अलग अलग धर्म समाज से आती थी। राजमहल में अपने देवी देवताओं के लिए मंदिर बनवाई। यही कारण था कि ईश्वर राजा सुलेमान को त्याग देता है और उससे उसका राज्य छीन लिया जाता है। इस प्रकार पवित्र बाइबल से हमें ज्ञात होता है कि इसराइल के प्रायः सभी राजाओं ने ईश्वर के विरुद्ध कार्य किया था, जिसका दंड उनके वंशजों को भोगना पड़ रहा था।
लेकिन ईश्वर दयालु परमेश्वर हैं। वे हमें हमारे पापों से मुक्त कर नव जीवन प्रदान करते हैं। यद्यपि मनुष्य हमेशा ईश्वर के विरुद्ध कार्य करता है, फिर भी ईश्वर उन्हें कभी नहीं त्यागता है। वह मनुष्य जाति की सुधि लेता है। ईश्वर चाहता है कि सभी लोग अपने दुष्कर्म को छोड़ दें और पवित्रता का जीवन यापन करें। ईश्वर प्रतिदिन हमारी राह देखते हैं कि हम कब उनके पास लौट आएं। जी हाँ, जिस प्रकार बुढ़ाऊ पुत्र का पिता रोज दिन अपने बेटे के लौटने की राह देखता था, उसी प्रकार हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है। इसीलिए आज के सुसमाचार पाठ के माध्यम से प्रभु यीशु हम प्रत्येक विश्वासियों को आमंत्रित करते हुए कहते हैं, दयालु बनो जैसे हमारा स्वर्गीय पिता दयालु है। दयालु अर्थात ना तो किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष करें और ना ही किसी के विरुद्ध निर्णय दें, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हम पर दोष लगाएंगे। अतः यदि हम ईश्वर की दया, प्रेम एवं क्षमा की याचना करते हैं तो हमें भी दूसरों पर दया करने की जरूरत है, प्रेम दिखाने की जरूरत है और एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। प्रभु कहते हैं, क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। अर्थात जैसे हम दूसरों से व्यवहार चाहते हैं वैसे हमें भी करने की आवश्यकता है। हमारे हृदय में दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी मनमुटाव अर्थात भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ख्रीस्त के मुक्तिदायी क्रूस द्वारा हम आपस में भाई बहन बन गए हैं। संत पौलुस कहते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं। अगर आपसी सहयोग एवं स्नेह के साथ अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं तभी हम प्रभु ख्रिस्त के महिमान्वित शरीर के सच्चे अंग बन सकते हैं। परंतु क्या हमारा आचरण ख्रिस्त के महिमान्वित शरीर के अंग के अनुरूप है? अगर हमारे बीच में मनमुटाव, द्वेष, ईर्ष्या एवं शत्रुता जैसी बुराइयां व्याप्त हैं तो हम कैसे अपने आप को प्रभु यीशु के महिमान्वित शरीर के अंग कह सकते हैं? हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें कृपा प्रदान करें ताकि हम मानव मूल्यों को समझें और अपने संपूर्ण जीवन को मानव सेवा एवं भलाई में प्रयोग कर सकें। आमीन। प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।